हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कुछ अलग आपके लिए लाई हूँ। ये वीडियोस मैं पहले भी बनाती थी, देन बिकॉज ऑफ कॉलेज वगैरह मैंने सब ये छोड़ दिया, बिकॉज टाइम नहीं मिलता। सो आज थोड़ा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा ही वीडियो बनाती हूँ। सो गाइस, मैं आज बनाने जा रही हूँ मीशो हॉल फॉर कुर्ती। जो कुर्तीज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत लोग सारे देखना चाहते हैं और बहुत अच्छी प्राइस में भी है। सो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने कुर्तीज़ है वो खुद के लिए मंगवाई थी, सो मुझे अच्छी लगी। बट आज मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कैसी है कुर्ती स्कूल वेयर, कॉलेज, और जैसे आप बाहर हॉलीडे वगैरह पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो बेस्ट है, एक बार आप देख लीजिए। और ये कुर्तीज़ है मिंत्रा हॉल की, मीशो हॉल की, सॉरी। सो ये मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ मंगवाई थी बट अभी तक मैंने एक बार भी इनको नहीं पहना है। सो मैंने सोचा एक बार आपको रिव्यू दे देती हूँ। और ये अच्छी वैल्यू में भी मिल रही थी, प्राइस में भी। और उसके अलावा जैसे स्कूल जाने वाली लड़कियाँ हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं, सबके लिए ये अच्छी रहेगी और आपको भी हेल्प होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड वन बाय वन। सो गाइज, ये मेरा पहली कुर्ती है और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी मीशो से। और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है और पहनने पे भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो कलर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो प्राइस है वो भी अच्छा है। सो इसका आप कपड़ा देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि इसकी प्राइस क्या है और इसका कोड क्या है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी पहन मंगवा सकते हैं। सो मैं इसको पहन के आपको बताती हूँ कि ये कैसी लगेगी मेरे। सो गाइस, ये है कुछ पहला और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, रीजनेबल प्राइस है। और ये कुर्ती की जो हाइट है वो भी सही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे की, देखिए। तो मुझे ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो हाथ में अगर घड़ी भी पहन सकते हैं, मैं पहनना भूल गई, सॉरी। और ये काफ़ी अच्छी लग रही, ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी और रीजनेबल है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये लेना चाहिए, काफ़ी कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। सो रीजनेबल प्राइस है इसकी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। और प्राइस का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी और ये कितने रुपए की है और कहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी सो दैट आपको ईजी हो जाए लेने में। सो ये तो अच्छी है, तो मेरे लिए ये डन है। अभी इसके बाद में हम दूसरी कुर्ती देखते हैं कि मैं कौन सी दूसरी कुर्ती का रिव्यू देने वाली हूँ। सो दूसरी कुर्ती के लिए मैंने ये वाली कुर्ती मंगवाई थी और ये भी मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी। ये देखिए, ये भी कॉटन में है और ब्लैक जींस पे या ट्राउज़र पे बहुत अच्छी लगेगी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये कुर्ती। तो ये मैं पहन के आती हूँ। टडा, तो ये है हमारी सेकंड आर्टिकल, सेकंड कुर्ती। और इसकी फिटिंग देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, और आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा इसका कॉटन फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा है ये। और इसकी ये वाली डिज़ाइन मुझे काफ़ी यूनिक लगी, थोड़ा पुराने स्टाइलिश में, और मुझे थोड़ा राजस्थान जैसी फील आ रही है इसको पहन के। तो ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसके नीचे मैंने जैसे ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, ब्लैक जींस पहन रखी है, सॉरी। तो इसका मैं एक शॉर्ट्स भी डालने वाली हूँ जिसमें आपको पूरी ड्रेस समझ में आएगी। तो ये कुर्ती की ये स्टाइल है और ये भी काफ़ी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। कॉलेज में पहन के जा सकते हैं, ऑफिस में पहन के जा सकते हैं, और कहीं बाहर भी जा रहे तो पहन के जा सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और आप बताइए आपको ये कुर्ती कैसी लगी। सो ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और इसकी प्राइस वगैरह है वो सब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और आप देख लीजिए कि आपको ये अच्छी लगी तो आप ले सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये डन है और 100% प्राइस के अकॉर्डिंग है। सो अभी नेक्स्ट मैं पहनने वाली हूँ ये वाली कुर्ती। तो ये वाली कुर्ती मैंने मंगवाई थी और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसका बंदेज वाला जो डिज़ाइन है, और ऐसा हमारे राजस्थान में भी जैसे पहनते हैं, और वैसे तो आजकल हर जगह पहनते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक बार मैं इसको भी ट्राई करके आती हूँ। तो ये है मेरी ये बंदेज वाली कुर्ती, जिसको हम थर्ड आर्टिकल बोल सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी कॉलेज वगैरह में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ऑफिस जाते हैं या बाहर जाते हैं आउटिंग पे भी, तो भी अच्छा है। इसके ऊपर हम जैकेट वगैरह भी वेयर कर सकते हैं,
और ये इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। सो इसका कपड़ा है वो कॉटन में है और ये बंदेज की कुर्ती ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो राजस्थान में, और वैसे हर जगह ये पहनते हैं आजकल। और मुझे ये कलर वगैरह और ये प्रिंट तो काफ़ी मस्त लग रहा है मतलब। और इसकी जो प्राइस वगैरह है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो आप देख लीजिए कि ये आपको कैसा लगा। और ये भी मेरी तरफ से डन है, सो ये भी आप 100% बेफिक्र होके खरीद सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है ये पिंक वाली, ये भी बंदेज वाली ही कुर्ती है, बट इसका जो ये आप देख सकते हैं ये कुछ पूरा लॉन्ग जो बाजू का है, और इसका कपड़ा अच्छा है बहुत, जैसे कॉटन होता है वैसा है। तो एक बार इसको भी ट्राई करते हैं कि ये कैसे लगती है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आर्टिकल, ये पिंक कलर है। वैसे पिंक कलर मुझे अच्छा लगता है, बट ये वाला मैंने सोचा नहीं था ये इतना अच्छा लगेगा। और इसकी जो ये बलून वाली जो स्लीव्स है ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और ये तो ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, साइड में से पर्स वगैरह लगा के भी काफ़ी सेक्सी लगेगा ये। और इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है और बहुत सही है, सही रेंज में है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसका भी। और ये आपको कैसा लगा ये बताइए, बट मेरे अकॉर्डिंग ये भी 100% डन है। अभी नेक्स्ट और लास्ट नहीं और दो है, तो नेक्स्ट कुर्ती है मेरी ये वाली। तो ये कुर्ती जो मैंने एक बार सेकंड वाले में पहनी थी वैसी, ये बार थोड़ी अलग है, उसकी डिज़ाइन थोड़ा ऐसे था, इसका पूरा इस तरह से है, यहाँ पे नोट बांधने का भी इसका डिज़ाइन है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो एक बार ये ट्राई करके आती हूँ। तो ये है मेरी नेक्स्ट आर्टिकल, और ये कैसा लगा आपको? इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, कॉटन में है इसका, और ये नोट्स मुझे अच्छी लगी, और ये एक थोड़ा ऑफिस वाइब दे रहा है, और कॉलेज में भी ये अच्छा लगेगा। इसके ये दोनों साइड है, ये बॉर्डर लगा हुआ है और सेम बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, और इसकी ये फिटिंग आप देख सकते हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कहीं पे भी आप पहन के जा सकते हैं, और कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस वगैरह सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और एक बार और बोल रही हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में और मैं इनके लिंक दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा है, और मेरी तरफ से ये आर्टिकल के लिए भी डन है। अभी लास्ट आर्टिकल है, दैट इज़ ये जो वन पीस भी बोल सकते हैं, कुर्ती भी बोल सकते हैं इसको, वैसे मैंने एज अ वन पीस इसको मंगाया था, तो इसको पहना नहीं है, तो एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। सो लेट्स ट्राई। सो ये है लास्ट आर्टिकल, और ये हम पहन सकते हैं जैसे वन पीस के जैसे भी पहन सकते हैं, और ये थोड़ा सा जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा नी लेंथ जितना है, और उसके अलावा हम इसको मतलब कुर्ती की तरह भी पहन सकते हैं, और इसके अलावा इसके साथ दुपट्टा भी ले सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, कॉटन इसका कपड़ा है, और ये मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये भी कुर्ती में आपको अच्छा लगेगा। और इसका प्राइस टैग वगैरह है, जहाँ से भी मैंने मंगवाया है वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है। तो मैंने आपको 5 to 6 आर्टिकल आज बताए हैं, और आप बताइए कि आपको कौन सा जो आर्टिकल है वो अच्छा लगा, और कौन सा आपको नहीं अच्छा लगा, और 1 to 5 आप रेट दीजिए कि कितना आपको अच्छा लगा और कितना नहीं, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट मुझे किस चीज़ का रिव्यू करना चाहिए। और कोई भी आपको समझ में नहीं आए कि कैसे भेजना है और कैसे करना है, तो आप मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड अगला वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।